आज हम बात कर रहे हैं द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पर, जिसको जो नए कोड बने हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में लगभग पूरा का पूरा लिया गया है। जब नए कोड का इम्प्लीमेंटेशन डेट आएगा तब इस एक्ट में क्या बदलाव होंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन आज वर्तमान में द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 क्या क्या प्रारूप है, ग्रेच्युटी क्यों मिलती है, कितनी मिलती है, उसके कैलकुलेशन के तरीके क्या हैं, क्या ग्रेच्युटी को फॉरफिट किया जा सकता है, या ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी को क्या करना है, और यदि एम्प्लॉय को अपने रिटायरमेंट के बाद लेनी है तो उसको क्या करना है, वो सब डिटेल में आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे फोरम्स में यह क्वेश्चन बार बार आता है कि द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पर लोगों की समझ उतनी परिपक्व नहीं है जितनी की आवश्यकता है, तो कोशिश करते हैं आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने की। सबसे पहले यह एक्ट 1972 में पास किया गया था और इसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर वन, एक तो जो आदमी सेवानिवृत्त हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, उस कि आफ्टर रिटायरमेंट उसके एक्सपेंसेस की टेक केयर आराम से हो सके, इसीलिए इसको पहले से भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही कहा जाता था। दूसरा ऑब्जेक्ट था इसका कि जब एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयमेंट में था तो उसने बहुत कुछ काम किया तो उसका एम्प्लॉयर उसकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करके उसको कुछ पेमेंट देने की बात करता था। अतः ऑर्गेनाइजेशन शुरू में कुछ ग्रेचुटी से, जब एक्ट नहीं बनाता 72 से पहले, तो उसे उसके सेवानिवृत्त समय के लिए उसकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करके उस हिसाब से पेमेंट किया जाता था। जैसे टाटाज में ये प्रथा बहुत प्रचुर थी। नंबर तीन बात करेंगे, टू गिव ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द रिटायर्ड पर्सन। एक आदमी जब सेवानिवृत्त हो तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास काफी धन है जिससे मैं अपने इस वृद्ध समय को वृद्धावस्था में आराम से परिवार के साथ गुजार सकता हूं। और जो इसका चौथा प्रमुख उद्देश्य था वो यह था कि किन्हीं कारणों में या तो आपको परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया और भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके नॉमिनी को फाइनेंशियल हेल्प की जाए। इन चार उद्देश्यों को लेकर के यह एक्ट बनाया गया था और वर्तमान में ये चारों उद्देश्य आज भी पूरी तरह नजर आते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेचुटी की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। तो एज पर द ग्रेचुटी एक्ट द स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी इज अवेलेबल टू किस किस को है। नंबर वन, एम्प्लॉई एंगेज इन फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल विद, जो इनसे जुड़े हुए हैं इस तरह के और उद्योग हैं उन सब में। नंबर दो, एवरी शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग in force in relation to shops and establishments in a state in which 10 or more, here number of employees, जो संख्या है, जो कर्मकारों की, कारीगरों की संख्या है वह 10 है। तो यह बहुत important संख्या है, जिस भी कारखाने में, जिस भी माइन में, जिस भी ऑयल फील्ड में, जिस भी प्लांटेशन के एरिया में, पोर्ट्स पर, रेलवे में, शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां यह स्कीम स्वतः हो जाती है। और 10 के लिए भी प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी भी दिन, ऐसा भी नहीं रोज। तो यह एक विशेष परिभाषा है। नंबर तीन आता है, इस तरह के उद्योगों में, इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट में, इस तरह के जो और इसमें नाम दिए गए हैं, चाहे प्लांटेशन हो, पोर्ट्स हो, रेलवे हो, इन सब में जो एम्प्लॉय हैं
वो किसी भी दिन दस सॉरी किसी भी दिन यदि पिछले 12 महीने में 10 से अधिक होते हैं तो यह उस पर स्वतः लागू हो जाती है, उसकी नोटिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, हु इज एन एम्प्लॉय। यहाँ क्वेश्चन आता है कि आप उन दिन को आप 10 नंबर मांग रहे हैं, वह एम्प्लॉय कौन है, वह कर्मकार कौन है, वह कर्मचारी कौन है, वह श्रमिक की संख्या में कौन शामिल हो सकता है। तो इसकी परिभाषा आज वर्तमान एक्ट में जो दी हुई है, जो लागू हुए अभी, जब नए कोड आएंगे तो नई एम्प्लॉय की परिभाषा जो आएगी वो आएगी। आज की परिभाषा ये है, द टर्म एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट एज एनी पर्सन अदर देन द अप्रेंटिसशिप। इसमें अप्रेंटिसेस काउंट नहीं होते, उन पर लागू नहीं होता। हु इज एन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वह चाहे तो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की भी बात इसमें कर लेते हैं। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, अब उनको नए कोडों में और सिस्टमेटिक किया जा रहा है। इन एनी काइंड ऑफ वर्क, उसमें काम किसी तरह का भी हो, मैनुअल हो, मशीन से हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो सब काम है। और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ फैक्ट्री, और जो फैक्ट्री से संबंधित काम है, जैसे पहले किसी कंपनी में जैसे चाय के बागान है, जो चाय के फील्ड में है, तो उनके लिए भी ये एक्ट लागू होता था। तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि कर्मचारी या श्रमिक या कर्मकार कौन है, उसकी परिभाषा स्पष्टता दी गई है। लेकिन ये किसको नहीं जोड़ती है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन हु होल्ड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में जो लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी कहे जाते हैं, उन पर यह लागू नहीं होती है। तो यह इसकी एप्लीकेबिलिटी की परिभाषा है। अब हम अगली बात करते हैं, ग्रेचुटी का एंटाइटलमेंट कब होता है। यह पहले दिन से नहीं होता, जिस दिन से आप एम्प्लॉयमेंट में आते हैं उस दिन से नहीं होता। अभी ग्रेचुटी उन दो तरह के एम्प्लॉय को मिलती है। नंबर 1, एक तो जिसकी डेथ हो जाए, आदमी जॉब पे लगा और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी कंटिन्यूस सर्विस 5 साल की कोई आवश्यकता की नहीं है। आज लगा और 6 महीने बाद भी डेथ होगी तो उसे 1 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। तो एक तो ये है, दूसरी है इन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में 4 साल 240 दिन को लोग मानते हैं, कुछ और मानते हैं, लेकिन जो लिबरल व्यू है वो यही है कि 4 साल और 240 दिन जिस दिन आपके कंप्लीट हो गए उस दिन आपका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी कारणों से हो, कंपनी ने निकाला हो आपको, बशर्ते जिनमें फॉरफिट कर सकते हैं वो कारण ना हो, या आप सुपर एनुएट हुए हों, रिटायर हुए हों, आपने रिजाइन किया हो, या कोई और कारण रहा हो, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट सीज होना, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होना आवश्यक है। और जिस केस में आपका परमानेंट डिसेबलमेंट है या डेथ हुए है का केस है, उसमें नॉमिनी के लिए 5 साल की सर्विस का यह क्लॉज लागू नहीं होता। अर्थात ग्रेचुटी एंटाइटलमेंट के लिए यदि एम्प्लॉय खुद जीवित है तो 5 साल की सर्विस का होना आवश्यक है, और यदि उनकी किन्हीं कारणों से परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया या डेथ हो गई तो यह 5 साल का भी कोई प्रावधान उस पर उस केस में लागू नहीं होता। अब अगली बात करते हैं कि द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो कैलकुलेशन के ग्रेचुटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1, उसकी लास्ट सैलरी ड्रॉन क्या है, उसकी वेज जो हो, सैलरी हो। पहले इसको 36 महीने का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिस दिन आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा है, कारण उसका कुछ भी हो सकता है, आप रिजाइन कर सकते हैं, आप सुपर एनुएट हो सकते हैं, आप रिटायर हो सकते हैं, आपको कंपनी किन्हीं कारणों से आपके एम्प्लॉयमेंट को सीज कर रही है, बशर्ते उसको फॉरफिट ना करना चाहती हो।
उसमें एक तो लास्ट सैलरी ड्रॉन या वेजेस ड्रॉन, और दूसरी है नंबर ऑफ इयर्स। यदि कोई आदमी 18 साल की एज में लग गया और 60 साल में रिटायर हुआ तो वह लगभग 42 साल की ग्रेच्युटी पाएगा। यदि कोई आदमी 30 साल में लगा तो वो 30 साल की पाएगा। यदि 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, किसी आदमी ने 7 साल काम किया है तो वो 7 साल की पाएगा। तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स बहुत जरूरी है। इसका जो फॉर्मूला दिया गया है एक्ट में वह है लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां अपने फॉर्मूले इससे ज्यादा देने के लिए करती हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ आपको एक और बता दूं, जो LIC है वह एक अपनी सुपर एनुएशन की ग्रेचुटी की स्कीम बना करके एक पॉलिसी लेती है और कंपनी के साथ इंश्योरेंस करती है सबका। उसमें यह इससे अधिक पेमेंट करती है। जो अच्छे प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं वो पैसा अपने पास नहीं रख करके LIC को एनुअली भेजते हैं ताकि मेरे एम्प्लॉय को अधिक बेनिफिट मिले, और डेथ के केस में वो कभी कभी बहुत ज्यादा देते हैं। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयर हैं जो इन केस ऑफ डेथ उसकी सर्विस 60 साल की मानकर पेमेंट करते हैं, क्योंकि वह ग्रेचुटी में इतना प्रोविजन इंश्योरेंस के हिसाब से करते हैं। तो इसके मैंने जो आपको समझाया है वह मिनिमम का फॉर्मूला है। कुछ कंपनियां इससे बहुत अधिक देती हैं, और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी और डेथ कुछ कंपनियां 60 साल की, जाए उनके यहाँ जो भी रिटायरमेंट की उम्र निश्चित है वह 58 हो सकती है, 60 हो सकती है, उस समय तक की ग्रेचुटी भी देती है। तो यह है ग्रेचुटी का एक्ट में मिनिमम देने का फॉर्मूला है। इससे मैक्सिमम आप या कोई भी नियोक्ता एम्प्लॉयर दे सकता है, और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। दूसरा है कि मैक्सिमम की लिमिट अब एक्ट में पहले भी थी आज भी है, वह अब 20 लाख हो गई है, कि ग्रेचुटी आपकी 20 लाख तक टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। हालांकि आपका एम्प्लॉयर इसको आगे भी दे सकता है एक्स ग्रेशिया करके। बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, जिन लोगों की सैलरी लैक्स एंड लैक्स में होती है उनको यह ग्रेचुटी बहुत अधिक मिलती है। 20 लाख तक टैक्स फ्री है, और उसके बाद उसकी जिस भी इनकम स्लैब में आते हैं उस पर टैक्स कट के ग्रेचुटी का पेमेंट किया जाता है। तो यह एक ग्रेचुटी का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना हुआ है। इससे अधिक देने के लिए एम्प्लॉयर्स अपने अपने नियमानुसार अधिक पेमेंट भी करते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेचुटी फॉरफिट क्यों हो सकती है और किन कंडीशंस में हो सकती है। तो जो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6 है उसमें इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, और जो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 है उसमें ऐसा लिखा गया है कि द ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड, या तो वो डिसमिसल हुआ है या टर्मिनेट हुआ है, फॉर एनी एक्ट, नंबर 1 विलफुल ओमिशन, नंबर 2 नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेज और लॉस सो कॉज्ड। तो जहां तक उसके डैमेज की या लॉस का सवाल है वहां तक की ग्रेचुटी पार्शली और फुल्ली फॉरफिट की जा सकती है। यह एक कंडीशन है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय मे बी फुल्ली और पार्शली फॉरफिटेड, वो क्या कंडीशन है। नंबर 1, इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर हिज रॉयटस और डिसऑर्डरली कंडक्ट इन एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट। एक तो ये बहुत क्लियर है कि जब किसी का हिंसक व्यवहार हो जाता है तो भी उसकी ग्रेचुटी को फॉरफिट किया जा सकता है, वह पार्शली भी और वो फुल्ली भी, वो मुझे ऊपर की कंडीशन में जो बताई है वो बात है। नंबर 2, इफ द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड,
तो जो मॉरल टर्पिट्यूड है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको यदि मॉरल टर्पिट्यूड को समझना है तो आप उसको वहां से पढ़िएगा, क्योंकि वह बड़ा सब्जेक्ट है, आपको समझना आवश्यक है। तो आपको मॉरल टर्पिट्यूड की भाषा परिभाषा समझना अति आवश्यक है। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफेंस इज कमिटेड बाय हिम इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो जो मॉरल टर्पिट्यूड है वह उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के समय में रहते किया हो। आज गवर्नमेंट में बहुत सारे अधिकारी जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन उनको चार्जशीट दे करके उनके बहुत सारे पेमेंट रोक लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई सीनियर पोजीशन पर आदमी जाता है तो तीन चार्जशीट दे करके ग्रेचुटी फोरफिट करने की बात की जाती है। उसका कारण यह है कि वह बड़े डैमेजेस से बचना चाहते हैं। तो ये तीन बड़े चार बड़े कारण हैं जिनमें ग्रेचुटी को या ग्रेचुटी की अमाउंट को अंशतः या पूर्णतः फोरफिट किया जा सकता है। और बहुतायत में जब ये इस तरह के एक्ट जिन ऑर्गेनाइजेशंस में विधिवत होते हैं इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और यदि ये चार्ज प्रूव होते हैं तो फोरफिट होती है ग्रेचुटी, और करनी भी चाहिए। समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक लगती है। नंबर पांच बात करेंगे हम पेनल्टीज। आज वर्तमान में जो एक्ट लागू है उसमें कुछ पेनल्टीज हैं यदि आपने ग्रेचुटी अपने एम्प्लॉय को टाइम से नहीं पे की। नंबर वन, फॉर अवॉइडेंस एनी पेमेंट इफ समवन मेक्स ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स स्टेटमेंट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। एक तो यह है 10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यदि उसने कोई जानबूझ करके ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया या फाल्स स्टेटमेंट दिया जिससे सामने वाले पक्षकार की ग्रेचुटी को कोई हानि हुई। नंबर टू, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो ग्रेचुटी एक्ट के प्रोविजन है, यदि उनको कोई जानबूझ करके फेल करता है, असफल होता है, पालन नहीं करता है, तो उसको 3 महीने की सजा से लेकर के 1 साल तक की सजा हो सकती है। और अब जो पहले 10,000 रुपये थे जुर्माना था उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, तो वर्तमान में यह जुर्माना 20,000 है। नंबर तीन, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर द एक्ट विल लीड टू ऑफेंस टू द एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 6 months, 6 महीने की सजा, और जो जुर्माना है, और यह सजा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जो जुर्माना है वह 20,000 तक किया जा सकता अनलेस द कोर्ट प्रोवाइड द सफिशियंट रीजन फॉर लेस पेमेंट, कि यह जैसी बात प्रूव हो जाती है। और जितने दिन हम लेट से पेमेंट करेंगे उस पर इंटरेस्ट जो भी कोर्ट तय करेगी वह भी देना पड़ता है। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए क्या करना है, आइए आपकी जानकारी उन चीजों पर भी पूर्ण करते हैं कि ग्रेचुटी के एक्ट में क्या प्रावधान है और उनका पालन कैसे किया जाए। तो उसमें कुछ टाइम लिमिट्स हैं कि जब आदमी आपके एम्प्लॉयमेंट में रहता है तो 30 दिन होने के, 1 साल होने की, 1 साल की सर्विस होने के बाद उससे फॉर्म एफ भराया जाना आवश्यक है। अब यह डे वन से लागू है क्योंकि डेथ कब हो जाएगी किसी को नहीं पता है, इसलिए जब आदमी जॉब में आता है वह स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, जब कर्मकार हो, कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी हो, जब भी किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में, जो मैंने ऊपर एम्प्लॉय की परिभाषा बताई थी उस हिसाब से ज्वाइन करता है तो उससे फॉर्म एफ भराना ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर आवश्यक है। और यह जिम्मेवारी एम्प्लॉय की भी है और एम्प्लॉयर की भी है, एम्प्लॉय को खुद भरना आवश्यक है। दूसरी, जो एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी, एम्प्लॉय को जब उसका टर्मिनेट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, कारण कुछ भी रहा हो, उसने रिजाइन किया हो, कंपनी ने किया हो, सुपर एनोट हुआ हो, या उसने वीआरएस लिया हो, कोई भी कारण हो, आपका जिस दिन एम्प्लॉयमेंट सीज हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म आई ग्रेचुटी पेमेंट के लिए भर के देना आवश्यक है।
नंबर टू, ग्रेचुटी बिकम पेबल टू द नॉमिनी जब नॉमिनी को हो जाए, एम्प्लॉय की डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, वो कर नहीं सकता, तो फॉर्म जे भरा जाता है और वो नॉमिनी को भरना है, वह भी 30 दिन में भरा हुआ, भरा जाना आवश्यक है। और यदि 30 दिन में देने के बाद जब ग्रेचुटी पेबल हो गई और एम्प्लॉयर ने नहीं दी, तो उसको जुर्माना या पेनल्टीज की बात लागू हो जाती है। नंबर नेक्स्ट है, यदि नॉमिनी भी उसने भरा नहीं, कोर्ट ने लीगल हायर बनाया, या नॉमिनी की भी कई बार डेथ हो जाती है, आदमी ध्यान नहीं देता है, तो जो लीगल हायर्स बनेंगे वो फॉर्म के भरेंगे, और वो फॉर्म के भरना जिस दिन से ग्रेचुटी एप्लीकेबल होती है उसके 1 साल के अंदर, क्योंकि कोर्ट में लीगल हायर्स को तय करना की प्रक्रिया में समय लगता है, और उस लीगल हायर्स को ये भर के सबमिट करना है ताकि पेमेंट समय से हो जाए। यदि ये सब प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं तो उनका पेमेंट 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को करना, नियोक्ता को करना आवश्यक है। तो ये ग्रेचुटी के मोटे मोटे फॉर्म्स हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। फॉर्म एफ है नॉमिनेशन का, फॉर्म आई है एम्प्लॉय द्वारा अपने ग्रेचुटी पेमेंट का भरा जाने के लिए, फॉर्म जे है नॉमिनी के द्वारा ग्रेचुटी पेमेंट के लिए, और फॉर्म के है यदि नॉमिनी भी नहीं है और एम्प्लॉय भी नहीं है तो लीगल हायर्स के लिए, और वो 1 साल के अंदर भर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं। आपका मेरे इस वीडियो से जानकारी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि लगता है कि ग्रेचुटी एक्ट में आपको और कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो ब्रीफ नोट है, कुछ आपके लिए आवश्यक है, तो हमें अवश्य लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें लिखिए अवश्य, क्योंकि आपके सहयोग से मेरी ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्रो कर रही है, और आपके सहयोग के बगैर हम और ग्रो नहीं कर सकते। तो आपका सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेवा करने में सफल होगी, ऐसा हमारा आपके साथ प्रतिबद्धता है, वादा है। तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यह अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जो इनको काम करते हैं उन सबको भेजिए, ताकि अपने ग्रेचुटी से संबंधित जानकारी को पूर्ण कर सकें और समय से भुगतान पा सकें, और यदि आप नियोक्ता हैं तो आप पेनल्टी से बच सकें। बहुत बहुत